हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, नहा धो चुके हैं और आज हमें जाना है पार्थिव पूजा में। तो पहले कर लेते हैं पूजा। और पार्थिव पूजा हो रही है हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ जाएंगे हम शाम को। है वही शाम हो ही जाती है, तो अभी मैंने कहा पूजा वगैरह कर लेते हैं पहले, फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे। और आज मौसम इतना गर्म हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो पहले पूजा करते हैं, उसके बाद आपको पार्थिव पूजा की क्लिप्स भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूजा भी हो गई है और यहाँ आई हैं अम्मा, जिसमें हमारे तो दादी के संग बात कर रही हूँ कि आजकल उत्तराखंड में बाघ बहुत हो रहे हैं, जो मतलब आक्रमण कर रहे हैं, तो उसी की बातें चल रही हैं दादी जी और अम्मा की, तो सुनते हैं। चल चल फिरते हो ना, पैदल जाने हो बेचारी जाने हो गाई क्या करो, गाई को मैं झटको मारना हो गाई को मैं गाई इंतर आते जावे मंदिर जावे भले मंदिर जावे बाद भगपति मंदिर आवे फिर चली घर आवे बजारा मंदिर मंदिर आवे तब जावे रहे आज झटको मार रहे थे बहन को क्या हला चाहो। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों में वाकई में बहुत डर होता है क्योंकि बाघ कभी भी आक्रमण कर सकता है। चलिए अब चलते हैं बाहर। और बाहर ये है हमारा रॉकू और ये जा रहा है आज हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो पापा जी भी जा रहे हैं और ये जाएगा कार में। और कार में जाने के लिए ये काफ़ी एक्साइटेड रहता है, मतलब इसे गाड़ी दिख जाए और ये कहाँ कब बैठूँ हो जाती है, मतलब कहीं भी दरवाज़ा खुला देखेगा तो तुरंत घुस जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, वो दरवाजे के उसमें इंतज़ार में कि कौन सा खुला हुआ है, तो इस साइड में नहीं दिख रहा है और इधर भी नहीं है, तो ये आया और ये वेट कर रहा है दरवाजे का। और देखिएगा कितनी जल्दी ये एंट्री करेगा खुलते ही, बस मतलब इसको इंजेक्शन का डर नहीं है, लेकिन बस इसे घूमना है गाड़ी में। कहीं से भी गाड़ी आती तो ये घूम के खड़ा हो जाता है और अब जा रहा है ये इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो हस्बैंड जा रहे हैं और पापा जी जाएंगे स्कूटी से, क्योंकि पकड़ना पड़ता है वहाँ पे, एक जना पकड़ता है तभी लगाने देता है। और फ्रेंड्स, आज मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, काफ़ी तेज़ धूप आई हुई है। तो पापा जी भी निकल चुके हैं, अब हम बना लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और मिलते हैं शाम को। तो फ्रेंड्स, पार्थिव पूजा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और वेदी वगैरह बन चुकी हैं। काफ़ी टाइम लगता है इसे स्टार्ट करने में, तो सुबह से स्टार्ट हो गई थी, पंडित जी अपना काम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और यहाँ ये गिलोय कूटा गया है, क्योंकि गिलोय का जो रस होता है उसमें ही आटा गूंदा जाता है। जो आटा हम इसमें गूंदते हैं वो होता है सालिग्राम चावल का आटा, नॉर्मल आटा नहीं होता है क्योंकि पूजा में चढ़ता है। और गिलोय के रस में हम थोड़ा मिलाते हैं पानी और उसके बाद ही सालिग्राम चावल के आटे को गूंदते हैं। तो वीडियो देखते रहिए और पूजा के विधि विधान भी। एक आदमी नजदीक में खेल, जितने आदमी हैं सबके नाम पे भी आगे स्वागत।
तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं घर को। ये है प्रसाद वगैरह जो शाम को बटेगा और अभी हम घर जाएंगे और घर में करेंगे रात के खाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं घर, अब कर लेते हैं सब्जी काटने की तैयारी। फ्रेंड्स आज बना रहे हैं हम तुरई की सब्जी और उसमें शिमला मिर्च भी मिक्स करेंगे। तो घर पहुंच के सब्जी वगैरह सब काट ली है, शिमला मिर्च और तुरई, और आलू काट रहा है मेरा बेटा, ये भी उसी ने काटी है, मैंने छील दी थी तो उसने कट कर दी। और फ्रेंड्स प्याज मेरा आधा फ्राई भी हो चुका है क्योंकि मैं फटाफट मतलब सब्जी छिलते छिलते मैंने पहले प्याज कट कर दिया, जो चीज़ पहले पड़ती है मैं उसे कट करते जाती हूँ ताकि उसके फ्राई होने तक मैं बाकी सब्जी भी कट कर लूँ। तो अभी आलू छिले थे तो आलू तो छिले भी मेरे बेटे ने ही और वो कट भी वही कर रहा है, तुरई मैंने छिल के दे दी थी, तब तक मैंने प्याज वगैरह फ्राई किया तो उसने कट कर दी सब्जी। तो आज फर्स्ट टाइम ही कट कर रहा है, तो मैंने भी कहा चलो सीखना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो अभी मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है, अब थोड़ा नमक डाल के मैं इसको थोड़ा भुनने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें ऐड करूंगी मैं मसाले। तो मसाले निकाल दिए हैं बट मसाले भी सब ख़त्म हो रहे हैं, तो पहले मैं मसाले ऐड कर लेती हूँ मसालदानी में। तो अभी मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर मसालदानी में, क्योंकि धनिया पाउडर जो है सब्जी में बहुत अच्छा लगता है तुरई की सब्जी में। वैसे तो पिसा हुआ काफ़ी अच्छा, लेकिन मैं सिलबटने में मुझे पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं नहीं पीस पाती हूँ, और तो पिसा हुआ पाउडर ही है धनिया का, तो वही मैं डालती हूँ सब्जी में नॉर्मली। तो गरम मसाला सब्जी मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर मैं ऐड कर लूँगी इसमें और थोड़ी देर उसको भी भुनने के लिए छोड़ दूंगी ताकि मसाला भी थोड़ा सा भुन जाए प्याज और शिमला मिर्च के साथ। और उसके बाद इसमें ऐड करूंगी आलू और तुरई। तो अभी देखते हैं बेटे ने आलू कट कर दिए हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, तो चलिए देखते हैं। और ये आ गया है बेटा लेकर के, आलू कट कर दिए हैं उसने, इतनी हेल्प कर दी मेरी। तो अब मैं आलू और तुरई ऐड कर देती हूँ इसमें और रख देती हूँ पकने के लिए। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।